बर्फीले रास्ते, ठंडी हवा के झोंके और बेहद ठंडे पानी से सामना। सर्फिंग के लिए परफेक्ट मौसम। कम से कम लोफोटेन द्वीप के लोगों का तो यही मानना है। धरती के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित नॉर्वे के इस द्वीप को सर्फिंग पैराडाइज की संज्ञा मिली हुई है। आर्कटिक क्षेत्र में बर्फीली लहरों की सवारी करने हर साल बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं। इन्हीं में से एक हैं नॉर्वे के ही ओलाफ कीलांड। 2018 में इन्हीं लहरों के लिए वे यहाँ आकर बस गए। ये काफी कठिन है। मैंने दुनिया भर की तमाम जगहों पर सर्फिंग की है, कई गर्म जगहों पर भी, जो कि अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की लहरें थोड़ी मुश्किल हैं। इन पर सवारी करने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठंड के कारण आप जमते भी थोड़ा ज्यादा हैं, तो सब कुछ थोड़ा ज्यादा कठिन है। मात्र 6 मिलीमीटर की नियोप्रीन की बनी एक परत ही सर्फर की नंगी त्वचा और बर्फीले पानी के बीच होती है। हाल के सालों में कई ऐसे वेट सूट बनाए गए हैं जिससे सर्फिंग के वक्त शरीर को हिलाना डुलाना आसान हो गया है। बड़ा फायदा यह है कि लोग कम हैं और अच्छे सर्फर भी, मतलब हर किसी को यहाँ ज्यादा लहरें मिलती हैं। सर्फिंग के लिए ऐसी लहरें मुफीद मानी जाती हैं। तट से थोड़ी ही दूर पर समुद्र की गहराई 500 मीटर तक हो जाती है। ग्रीनलैंड की ओर से आने वाला पानी यहाँ कई मीटर ऊंची लहरें बनाता है। पूरे साल में यहाँ करीब 5000 सर्फर पहुँचते हैं। दुनिया के बाकी सर्फिंग स्पॉट से तुलना करें तो ये संख्या काफी कम है। यहाँ पहुँचने वाले भी सबसे ज्यादा उनस्टार्ट की खाड़ी में जाना पसंद करते हैं। आर्कटिक सर्कल से भी 300 किलोमीटर उत्तर में जाने पर यह जगह पड़ती है, जिसे आर्कटिक सर्फिंग की जन्म स्थली माना जाता है। और इस खिताब का श्रेय जाता है थोर फ्रांसेन को। आज से करीब 50 साल पहले जब वे अपने एक दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया में सर्फरों को देख रहे थे, तभी उन्हें खुद भी इसे ट्राई करने का मन किया। फिर उन्होंने बीच बॉयज एल्बम के कवर फोटो को देखकर अपने लिए खुद सर्फिंग बोर्ड बनाया। खूब इत्मीनान से हिम्मत रखते हुए और स्टायरोफोम के इस्तेमाल से उन्होंने खुद ही सर्फिंग करना सीखा। हमने चेन लगाने के लिए पहले कोई जगह ही नहीं बनाई थी, लेकिन फिर जल्दी ही उसकी जरूरत महसूस होने लगी तो फिर उसे भी बनाया। वेट सूट के बिना यहाँ सर्फिंग कर पाना बहुत हिम्मत वालों के ही बस की बात है। ऐसा होता है कि आप पानी में जाते हैं, लेकिन एक या दो मिनट में ही आपको बाहर किनारे पर आना पड़ता है। ये आसान बिल्कुल नहीं था। उन स्टार्ट में सर्फिंग करने वाले युवाओं के लिए अब ये पहले से कहीं आसान हो गया है। आधुनिक वेट सूट पहनकर वे जितनी देर तक चाहें लहरों की सवारी कर सकते हैं, या फिर तब तक जब तक उनमें शक्ति बची हो। बहुत उछाल था, बहुत सारा पानी और काफी ऊंचा ज्वार, लेकिन काफी मजा आया। अब इस सूट को उतारने का समय है। यहीं सबसे ज्यादा ठंड लगती है। गीले होकर हवा में बाहर आने पर गर्म कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगेगा। लोफोटेन में आर्कटिक सर्फिंग, ऐसी ठंडक में लहरों की सवारी और भी कूल बन जाती है।